अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जिस सब्जेक्ट के हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं वो है फिजिक्स, और फिजिक्स का जो पोर्शन है ये एवरीडे साइंस से लिंक करता है। तो आप सबको वेलकम करती हूँ पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। तो बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। चलें जी, जो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। स्टेटमेंट है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। सबसे पहले हमने समझना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो वेलोसिटी जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो सर्कुलर मोशन में जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो लीनियर वेलोसिटी वो होती है यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही होती है तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो अब अगर हम देखें कि जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो उसकी लीनियर और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उस उनके दरमियान एंगल कितना है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें जिसमें जो है हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो एक तो उसकी जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और ये जो ब्लैक एरो है ये हमारे पास उसकी लीनियर वेलोसिटी है। तो इनके दरमियान अगर हम एंगल देखें तो ये हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कितना एंगल है, ये 90 का एंगल है। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो जी हमारे पास होगा 90। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ डैश पाथ। ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर करता है मिसाल के तौर पर, तो वो अगले 5 मिनट के अंदर भी 1 किलोमीटर ही कवर करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 4 डिफरेंट पाथ हैं जिसमें सबसे पहले है एलिप्टिकल पाथ, दूसरा जी हमारे पास है सर्कुलर पाथ, थर्ड है पैराबोलिक पाथ और लास्ट हमारे पास है रेक्टिलिनियर पाथ। तो अगर हम एलिप्टिकल पाथ की बात करें तो इसकी शेप ओवल शेप होती है, ओवल शेप होती है जिस तरह हमारे पास एग की शेप होती है। ठीक है, तो जो सर्कुलर और एलिप्टिकल पाथ है ये दोनों हमारे पास क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक हो गया, तो इसमें टाइम के साथ साथ क्या होती है, जैसे जैसे बॉडी मूव करती है वैसे वैसे जो है वो एंगल चेंज हो रहा होता है। तो एंगल जब चेंज हो रहा होता है तो क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रह सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है जी, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक की अगर बात, इस पाथ की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये पाथ ऐसा होता है कि इसकी, मगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है, जब वो बास्केटबॉल खेल रहा है यानी जब वो बॉल को बास्केट के अंदर डालता है ना, तो जो बॉल को जब थ्रो करता है तो वो जो एंगल होता है ना बॉल का उसको हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। और जो लास्ट हमारे पास है वो है रेक्टिलिनियर पाथ। इसके अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें यानी जो हम आम रूटीन में चलते फिरते हैं उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर पाथ, यानी स्ट्रेट पाथ जो होता है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर पाथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, वो है जी डी, जिसमें जो हमारे पास किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक हो गया जी, अब देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी जूस, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी वाटर। सबसे पहले हमने सादा जुबान में समझना है कि विस्कोसिटी हमारे पास होती क्या है। विस्कोसिटी हमारे पास होती है कि कोई भी लिक्विड है जब वो फ्लो करता है तो उसको कितनी रेजिस्टेंस, कितना उसको ऑपोजिट फोर्स उसको कितनी फेस करनी पड़ती है।
उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है साइड पे। तो अब इसको हम इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जो थोड़ी हाइट पे है, ठीक है, और वहां से जो है मैं पानी और जो हमारे पास हनी है इनको मैं नीचे की तरफ गिराती हूँ। तो डेफिनेट सी बात है जो पानी है वो जमीन तक पहले पहुंचेगा एज कम्पेयर टू हनी, क्योंकि हनी की जो विस्कोसिटी है उसका जो गाढ़ापन है वो वाटर से ज्यादा है। तो जितना कोई लिक्विड गाढ़ा होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, जितना कोई पानी जो है वो गाढ़ा नहीं होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है जी, डी यानी वाटर। चलें जी अब हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर मैयर करते हैं उसको हम कहते हैं जी स्फिग्मैनोमीटर। ये आपने डिफरेंट क्लिनिक्स पे देखा होगा कि किस तरह जो है ब्लड प्रेशर को मैयर किया जाता है। तो यहाँ पे एक बायो का एमसीक्यू भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है जी, ये आप समझ लीजिए ये हमारे पास है ब्लड वेसल, सॉरी राइटिंग थोड़ी रफ सी है, तो ये समझ लें ये इसके अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसका काम क्या है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाना, ठीक हो गया। तो जब किसी चीज को सर्कुलेट करवाना है, उसको मूव करवाना है, उसको कोई पीछे से फोर्स मिलेगी तो वो मूव करेगा ना, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, उसको प्रेशर देता है ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे, क्योंकि बॉडी के अंदर जब तक ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे ब्लड में ही, ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी से वेस्ट और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। यानी जो चीज हमें चाहिए वो भी हमें हमारे ब्लड के जरिए मिलती है, और जो चीज हमने अपनी बॉडी से निकालनी है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होती है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, स्फिग्मैनोमीटर, ठीक हो गया। बाकी जो ए ऑप्शन है वेंट्री मीटर, ये क्या होता है कि ये हम तब यूज करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर जो है वो प्रेशर और जो हमारे पास वेलोसिटी है उनमें इनवर्स रिलेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जब जब क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो क्रिकेटर है वो बॉल को अपनी बॉडी के साथ अपने हाथ के साथ थोड़ा सा रब करता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां प्रेशर बढ़ जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और जो उसकी फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, यहाँ पे जो है क्रिकेटर ने क्या किया है उसको रब किया है, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। जबकि जो इसकी ये ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉल की स्पीड है वो हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। तो ये इसके पीछे रीजन है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेंट्री मीटर यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका आंसर क्या है हमारे पास, फिग्मैनोमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें जी जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये क्या है, द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज नियरली इक्वल टू ऑप्शन ए वाटर, बी ऑयल, सी मर्करी, डी हनी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वाटर। इसमें कुछ एज इट समझने वाली कोई बात नहीं है। डेंसिटी का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी जो हमारे ब्लड की जो डेंसिटी है वो नियरली इक्वल है किसके, वाटर के, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन ए रोटेशनल मोशन, ऑप्शन बी म्यूजिकल अरेंजमेंट, ऑप्शन सी सर्कुलर मोशन एंड ऑप्शन डी वाइब्रेटरी मोशन। सो द राइट आंसर इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक हमारे पास बना हुआ है स्प्रिंग, ठीक है जी। तो स्प्रिंग को जब आप एक बार पुश करते हैं तो वो एक तो वो वाइब्रेशन शो करता है, और दूसरा जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना वो
एक ऐसी मोशन होती है जो अपने आप को एक खास इंटरवल के बाद रिपीट करे। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं इस ग्राफ में कि किस तरह ये वेव की फॉर्म में ये जो ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी एम्पलीट्यूड। और जो कंजेक्टिव क्रस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, लैम्डा, यानी जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपली समझने के लिए यही याद रखें कि ऐसी मोशन जो अपने आप को एक खास पीरियड के बाद रिपीट करती है, ठीक है, और सेम पैटर्न में अपने आप को रिपीट करती है। ठीक हो गया जी। सो द राइट आंसर इज वाइब्रेटरी मोशन। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये है जी हमारे पास द फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब्स ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट ओनली, ऑप्शन बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, ऑप्शन सी बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑप्शन डी नीदर डिस्प्लेसमेंट नो डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जी हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी, ठीक है जी, यानी हमें जो डिस्प्लेसमेंट का भी पता चलता है और जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका भी हमें इससे आइडिया होता है। तो जो हमारे पास फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमें दोनों चीजें बताता है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये आप स्लाइड देख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये है जी द मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ इज। तो इस पिक्चर में आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है 3, ठीक है, यानी जो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ होता है उसका एंगल टोटल कितना होता है 360, और इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 120 डिग्री, यानी जो तीनों सेटेलाइट हैं 360 के अंदर हमारे पास तीन सेटेलाइट जो हैं वो एडजस्ट हो सकती हैं 120 डिग्री एंगल पर, ठीक है, यानी एक सेटेलाइट और दूसरी सेटेलाइट के दरमियान कितना मतलब होगा 120 डिग्री एंगल का कह लें डिस्टेंस होगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे एक बात डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स वो होती हैं जो हम अपने जो हमारी अर्थ है उसके ऑर्बिट में हम उनको भेजते हैं, ठीक है, ताकि जो है हम अपने घरों में टेलीविजन मोबाइल वगैरह डिफरेंट किस्म के जो सिग्नल्स हम रिसीव कर रहे होते हैं वो इन्हीं के थ्रू कर रहे होते हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, 3। चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारे पास वन टोर इज इक्वल टू। अब इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्क कर लेते हैं ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझा सकूं। तो सबसे पहले हमने समझना है जी कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया जी। यानी जो हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन क्या है कि एक एरिया पर हम कितनी फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट है ना वो होता है जी, फोर्स का यूनिट हो गया नैनो, सॉरी नैनो कह रही हूँ, न्यूटन, और जब हम एरिया के यूनिट को ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है ना ये इक्वल होता है जी पास्कल के। ठीक हो गया। और जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, 1 टोर के इक्वल। यानी जितने भी मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखे हैं ना, पास्कल है, बार है, टोर है, ठीक है, ये सारे यूनिट ही हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास है जी प्रेशर के, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है जी, 1 टोर इज इक्वल टू मतलब इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है।
तो अभी अभी तक हमने ये बात समझी है कि जो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, ये किसके किसके इक्वल है, पास्कल के इक्वल है, और 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी ये 1 टोर के इक्वल होता है। इसी तरह जो हमारे पास 1 ATM है, यानी जो हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो होता है जी 760 मिलीमीटर एच जी के बराबर। ठीक हो गया। और जो हमारे पास 1 टोर है वो 760 मिलीमीटर एच जी के बराबर होता है। इसी तरह अब जैसे हमने देखा कि 1 ATM भी 760 मिलीमीटर एच जी के बराबर है और 1 टोर भी 760 मिलीमीटर एच जी के बराबर है। तो अगर हम 1013 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये हमारे पास होता है 1 ATM के इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 ATM जो होता है ये इक्वल होता है 1013 25, मैं नीचे लिख रही हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है। और इसी तरह मैंने कहा कि जो 1 ATM है ये 760 मिलीमीटर एच जी के बराबर भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गन मच गया लेकिन होपफुली आपको समझ आ जाए। तो अब 1 ATM 1013 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के भी इक्वल है और 1 ATM 760 मिलीमीटर एच जी के भी इक्वल है। तो अगर हम 1013 25 के इक्वल ले लें 760 को, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रही क्योंकि जगह कम है, तो हमारे पास 1 टोर किसके इक्वल आ जाएगा, जब जो हमारे पास 1013 25 को हम डिवाइड करेंगे 760 पर, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी, यानी 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानिब। अच्छा जी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज ऑफ फॉर अ ह्यूमन बॉडी इज। तो जैसे हमने ऊपर बात की कि जो हमारे पास मिलीमीटर एच डी जो हमारे पास यूनिट है, जो हम ब्लड प्रेशर को मैया करते हैं स्फिग्मोमीटर में, तो उसका वहां पे हम लेते हैं मिलीमीटर एच डी। तो जो मिलीमीटर एच डी है वो हमारे पास क्या है, टोर के इक्वल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 122 80 टोर। ठीक हो गया जी। इसको डिटेल में जाने की है जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा सिस्टोलिक होता है और ये हमारा डायस्टोलिक होता है। ठीक है। तो हमने बस यहाँ पे यूनिट बदला है, बाकी हमने सिंपली यही पूछा है कि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसकी क्या रेंज होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए। ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पर। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो हमारे पास हमसे क्या पूछ रहा है, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज। ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल, एंड ऑप्शन डी इज जीरो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी जी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यानी जो हमारे पास एनर्जी है वो कन्वर्टेबल है मास के अंदर, और जो हमारे पास मास है वो कन्वर्टेबल है एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो इसको समझाने के एक आसान सी मैं यहाँ पे मिसाल देती हूँ, ये एक एडिशनल बात हो जाएगी यहाँ पे, कि जब हम फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है हमारे पास, और अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी के अंदर। सिमिलरली जो क्या कहते हैं, अभी तक साइंटिस्ट जो है वो एनर्जी को मास के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन नेचर तो फिर नेचर है, नेचर तो ये काम करती है। जो हम जमीन के अंदर किसी दरख्त का जो है वो सीड जब दबाते हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस होती है, यानी जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, हम उसे पानी देते हैं, तो वो जो सूरज की रोशनी की मदद से वो जो सीड के अंदर से पूरा एक दरख्त निकल आता है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मास के अंदर। यानी एनर्जी कन्वर्टेबल है मास के अंदर और मास कन्वर्टेबल है एनर्जी के अंदर। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं फोटोन की। फोटोन फोटोन क्या है हमारे पास, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो वो क्या कह रहा है, रेस्ट मास, यानी जब बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन है, वो मूव नहीं कर रहा, तो डेफिनेट सी बात है तब उसकी जो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
अच्छा जी, ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन है। हु इनन्शिएटेड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी सिंपल से ये बात पूछना चाह रहा है कि जी जो हमारे पास प्लैनेट्स की मोशन है उसके ऊपर जो लॉज दिए थे वो किसने दिए थे। तो हमें इजाक न्यूटन का पता है कि उसने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर काम किया था। गैलीलियो की बात करें तो उसने जो है हमारे पास जुपिटर के गिर्ड जो हमारे पास उसकी रिंग्स हैं उसके बारे में बात की थी। और जो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, जोनस कैपलर, आई थिंक इसी तरह इसको प्रोनाउंस करेंगे। और जो हमारे पास ऑप्शन डी है तो निकोलस ने हमें ये बताया था कि जो हमारा हमारे हमारा जो सन है वो सेंटर में है, जो बाकी प्लैनेट्स है वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, जोनस कैपलर, इसने दिए थे लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। चलें जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, वो है जी डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक ईयर, ऑप्शन सी इज लाइट ईयर एंड ऑप्शन डी इज नन। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स की बात करें तो हमें पता है कि जी जो हमारे स्टार्स हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि उनके दरमियान जो है वो कोई 10 किलोमीटर का या 100 या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि अपनी आसानी के लिए उन्होंने एक यूनिट बनाया है जिसको कहते हैं जी लाइट ईयर। ठीक है जी, अब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो हमारे पास होती है जी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, यानी इतनी ज्यादा यानी 1 सेकंड के अंदर जो हमारी लाइट है वो इतना ज्यादा डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्यों ना हम इसको एज अ स्केल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जब दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हम उसके लिए छोटा यूनिट नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो वो वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी आ जाएगी। और अगर हम बड़ा एक बड़ा स्केल इस्तेमाल करेंगे तो वो वैल्यू हमारे लिए समझना, उसको पढ़ना, उसको यूज करना आसान होगा। ठीक हो गया, इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाना है, अपनी नेबर सिटी में जाना है, तो आप क्या करेंगे, मोटर बाइक यूज कर लेंगे या इसके अलावा आप गाड़ी पे चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बाय एयर जाए। लेकिन अगर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है या फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है तो आप डेफिनेटली बाय एयर जाएंगे। आप उस पे जो है वो बाइक के जरिए या कार के जरिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी तरह जो मैसिव बॉडीज हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो लाइट ईयर है उसको एज अ स्केल यूज किया। तो यहाँ पे जी हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, लाइट ईयर। एक बात याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास ईयर है ना ये टाइम का यूनिट नहीं है। यहाँ पे लाइट ईयर से क्या मुराद है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ईयर देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास टाइम है तो ये टाइम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है। ठीक हो गया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन है। ये साइड पे आपको टेबल शो हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जो हमारे पास डेसी है वो क्या है, 10⁻¹, सेंटी क्या है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है। तो उसने क्या पूछा है, नैनो। नैनो हमारे पास क्या है जी, 10⁻⁹। ठीक हो गया, तो राइट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी जो हमारे पास है जी वो है 1 टेरा इज इक्वल टू 10⁻¹। ठीक है, -12 नहीं, 12। ये जो ऊपर हमारे पास टेबल था उसके अंदर भी जो है वो 1 टेरा का जो है वो दिया हुआ है। हम एक बार वहां से भी देख लेते हैं। तो जी जो हमारे पास टेरा है ये, तो ये हमारे पास क्या है, 10⁻¹। ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव वाली कौन सी है, नेगेटिव वाली कौन सी है। ठीक हो गया जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है हमारे पास, ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो वो क्या पूछता है हमारे पास, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन द
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको जो हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स हमने डिसाइड किए हुए हैं या ओवरऑल हमने कह लें कि स्टैंडर्ड बनाए हुए कि इस चीज़ का एक जो इंटरनेशनल यूनिट है वो ये है, इसका ये है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1960 से पहले जो है ना हमारे पास वो डिफरेंट एरियाज में जो है ना वो डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि कोई बंदा लाहौर बैठा है तो वो डिस्टेंस का जो यूनिट यूज़ करेगा वो किलोमीटर यूज़ करेगा, कोई बंदा फैसलाबाद में बैठा है तो वो कहेगा जी कि जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल जो है वो सियालकोट में बैठा है तो वो कहेगा कि जी जो डिस्टेंस का यूनिट है ना वो हमारे पास जी मीटर है। इसी तरह कोई अफ्रीका में बैठा है तो वो कोई और यूनिट इस्तेमाल करेगा, अमेरिका में बैठा है तो वो और कोई यूनिट इस्तेमाल करेगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा इस तरह तो भी बड़ा मसला हो जाएगा, तो उन्होंने कहा एक मीटिंग रखते हैं जो जो कि उन्होंने 1960 में रखी, और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल एक सिस्टम बना दिया यूनिट्स का कि जी ओवरऑल पूरी ग्लोब के अंदर अगर डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर एग्जांपल मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है तो वो किलोग्राम ही इस्तेमाल होगा, वो पाकिस्तान में भी किलोग्राम यूज होगा, वो अमेरिका के अंदर भी किलोग्राम यूज होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी किलोग्राम यूज होगा। तो हमारे पास जो सिस्टम है ये जो यूनिट्स का जो हमने एक सिस्टम बनाया उसके हमारे पास तीन तरह के हम कह लें कि उसकी क्लासेस हैं। एक उनमें बेसिक यूनिट्स होते हैं, कुछ ड्राइव्ड होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं जी सप्लीमेंट्री, ठीक होते हैं। जो बेसिक यूनिट्स होते हैं ना हमारे पास वो कितने होते हैं, टोटल 7। ये आपको टेबल के अंदर शो किया हुआ है, उनके नाम भी दिए हुए हैं, उनका टिपिकल जो सिंबल हम यूज करते हैं यानी टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ठीक है, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और एक जो लास्ट है हमारे पास वो है जी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टाइम की अगर हम बात करें तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। इसका जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, और जो हमारे पास सेकंड का सिंबल क्या है, स्मॉल एस है, ठीक है। आपने इनके सिंबल्स को भी याद रखना है कि अगर हमने उनका पूरा नाम लिखा है तो हमने कैसे लिखा है, यानी सेकंड पूरा स्मॉल लिखा है। नॉर्मली जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, इसी तरह मीटर का भी हमने पूरा स्मॉल लिखा है, किलोग्राम भी पूरा स्मॉल लिखा है, एम्पियर भी पूरा स्मॉल लिखा है, ठीक है। जबकि जो एम्पियर के हमारे पास इसका सिंबल का यूनिट है वो कैपिटल ए है और केल्विन का कैपिटल के है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात समझ आती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे पास टाइम का अब यूनिट इस्तेमाल होगा वो सेकंड ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे कि जी मेरा जो टाइम का यूनिट है वो 1 मिनट है या 1 घंटा है, ऐसा नहीं हो सकता। सबका जो टाइम का यूनिट क्या होगा वो सेकंड ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्लियर करती जाऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आ जाए के विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी बेसिक यूनिट्स, ठीक है, और उसमें ऑप्शन हो जी टाइम, लेंथ, और एक ऑप्शन उसमें हो सेकंड, ठीक है, और एक ऑप्शन हो बोथ, यानी एक ऑप्शन ए हो टाइम, ऑप्शन बी हो लेंथ, ऑप्शन सी हो बोथ, और ऑप्शन डी में ना सेकंड के लिए एस लिखा हो या सेकंड लिखा हो। तो आपने जो स्टेटमेंट है उसका ध्यान रखना है कि वो बेसिक यूनिट की बात कर रहा है या बेसिक क्वांटिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने स्टेटमेंट बनाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट, तो हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। हमें ऐसा नहीं करना, स्टूडेंट्स जल्दी में करते हैं कि जी लेंथ, मास, टाइम हमारे पास बेसिक यूनिट है, वो बेसिक यूनिट नहीं है, वो बेसिक क्वांटिटी है। बेसिक क्वांटिटी और बेसिक यूनिट में आपने डिफरेंस रखना है। अगर वो बेसिक यूनिट की बात करें तो आपने बेसिक यूनिट की तरफ जाना है, और अगर वो बेसिक क्वांटिटी की बात करें तो बेसिक क्वांटिटी की तरफ जाना है। और टोटल हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज कितनी है, 7। सो द राइट ऑप्शन इज ए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चलें जी, अब जो हमारे पास 17 क्वेश्चन है वो है जी जाउल इज द यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे जी जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी एनर्जी। उसके लिए आपको यहाँ पे ये दिखा दिया है हमने कि एनर्जी जो है वो एफ इंटू एस है, ठीक है, यानी एफ जो है वो हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट होता है न्यूटन, और जो हमारे पास एस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका जो हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर। तो जब हम न्यूटन मीटर की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, जाउल के, ठीक है जी। यानी वर्क की अगर हम बात करें ना, वर्क भी हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर। सॉरी ये मैंने स्मॉल लिखना था लेकिन मैंने कैपिटल लिख दिया है, लेकिन समझाने का मकसद यही है कि जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो राइट ऑप्शन इज एनर्जी।
चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। अच्छा जी, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमारे पास क्या है जी, हाउ मेनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर देयर इन द SI सिस्टम, यानी जो ऊपर हमने बात की है ना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि जी कुछ हमारे पास बेसिक हैं, कुछ हमारे पास डिराइव्ड हैं, कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, यानी जो इजाफी यूनिट्स हैं हमारे पास, तो उसमें हमारे पास दो ही आते हैं जिनमें एक हमारे पास प्लेन एंगल है, दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल का जो हमारे पास यूनिट है वो रेडियन है, जबकि जो सॉलिड एंगल का जो हमारे पास यूनिट है वो क्या है जी, थ्री रेडियन। अब आप सोचेंगे कि ये प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सिंपल इसकी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज ड्रा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सर्कल ड्रा करती हूँ, तो ये इसका हमारे पास रेडियस है, ठीक हो गया, और ये इसकी आर्क लेंथ है हमारे पास, और ये एक एंगल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, जिसको हम कह लेते हैं जी थीटा। ठीक है, जब हम व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज ड्रा करते हैं, हम किसी कोई हमारे पास कोई सर्कल चीज है, सर्कल की फॉर्म में कोई चीज है, उसका हम एंगल देख रहे हैं, उसका रेडियस देख रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है रेडियन। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास कोई स्फीयर हो, स्फीयर से मुराद है कोई आपके पास फुटबॉल हो जिसको आप 3D में देख सकते हैं, यानी उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, इसको आप 3 डायमेंशन में नहीं देख सकते, इसको आप 2 डायमेंशन में देख सकते हैं। तो जो चीज 2 डायमेंशन में है उसके एंगल को, उसके रेडियस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं। और जो हमारे पास कोई ऐसी चीज जो कि 3 डायमेंशन में है, ठीक है, तो उसके एंगल को, उसके जो है रेडियस को, उसकी आर्क लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, सॉलिड एंगल यूज करते हैं, और जिसका यूनिट क्या है हमारे पास, 3 रेडियन। ठीक हो गया जी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2। चलें जी, अब चलते हैं जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया, अब डिराइव्ड से क्या मुराद है, यानी कोई चीज, कोई ऐसी चीज जो एक ऐसी चीज से हासिल की गई है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने लिखा है जी फोर्स का फॉर्मूला, यानी एफ इज इक्वल टू जो हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या यूनिट है जी, केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो सारे हमने यूनिट लिखे हैं, केजी, मास, पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक यूनिट है जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, तो ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं जो कि हमने बेसिक क्वांटिटी से ड्राइव की हैं। ठीक है, यानी बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास पहले ही थी, उन्हीं से हमने ड्राइव कर ली है। अब यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं वो टोटल कितने हैं जी, 7 है, वो फिक्स है। जो हमारे पास सप्लीमेंट्री है जी वो है जी 2। ठीक हो गया, तो जो हमारे पास होते हैं ना ड्राइव यूनिट, अगर आपसे कोई पूछ ले जी कि ड्राइव क्वांटिटीज कितनी है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी साइंस जो है वो एंड नहीं हुई, स्टिल जो है वो सर्चेज हो रही, रिसर्चेज हो रही हैं डिफरेंट चीजों पे, जो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट है वो डिफरेंट चीजें आए दिन ऐड करते हैं। तो जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है ना, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि टोटल ड्राइव क्वांटिटीज कितनी है, तो आपने क्या कहना है जी, इनफाइनाइट। ठीक हो गया, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। ठीक हो गया, ये एक एडिशनल MCQs हो गया यहाँ पे। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था, इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी, यानी फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, पावर भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, प्रेशर भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक हो गया जी, अब हम चलते हैं जी अपने आज के लास्ट MCQs की तरफ। अच्छा जी, अब जी हमारे पास जो लास्ट MCQs है वो है जी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है जी, एक्सलरेशन। यानी एक्सलरेशन होती है हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी जो हमने बात की थी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के अंदर कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, उस वो जो चेंज आ रहा है कितने टाइम, जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है और कितना आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सलरेशन। तो ये था हमारा आज का लास्ट MCQ। अब हम एक थोड़ी सी मैं आपको समझा देती हूँ कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, तो उसके लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर।
जो कि हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। तो अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से सिंपल सी बात है कि कोई गाड़ी जो है अगर वो 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर कवर कर रही है और अगले 5 मिनट के अंदर भी वो 1 किलोमीटर कवर कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। ठीक हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने सोचा कि जी अब थोड़ी सी स्पीड तेज कर लेनी चाहिए, तो अब वो 5 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर कवर कर रहा है मिसाल के तौर पर, और अगले 5 मिनट के अंदर भी वो 6 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो वो जो 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की तरफ वो जो आया ना, तो वो क्या है? उसकी चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है। और क्या कहते हैं उसे, जो उसने चेंज आया वो तो यूनिफॉर्म चेंज आया ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले 5 मिनट में 6 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर। पहले 5 मिनट में भी उसने 6 किया है और अगले 5 मिनट में भी उसने 6 किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका ग्राफ ऐसे होगा, जो कांस्टेंट हमारे पास वेलोसिटी उसका ग्राफ ऐसे होगा, और जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए यूं समझ लें कि दो गाड़ियां थी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, एकदम से उनके दरमियान जो है ना वो रेस स्टार्ट हो गई और एक ने एकदम अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर दी और एक की कम रह गई, तो वो जो एक्सेलरेशन में चेंज आया ना, यानी फॉर एग्जाम्पल जो गाड़ी ए थी वो पहले 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर कवर कर रही थी, और जब उसने रेस लगाई अपनी साथ वाली गाड़ी के साथ, तो वो 10 मिनट के अंदर जो है वो 6 किलोमीटर कवर कर रही थी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज आया अब उसकी स्पीड के अंदर। ठीक हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो लास्ट हमारे पास ग्राफ है वो है नॉन यूनिफॉर्म डिटार्डेशन, यानी अब उसने देखा कि आगे जो है ना वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, अब तो चलान होगा, तो उसने चलान से बचने के लिए जल्दी से अपनी स्पीड को क्या किया? कम किया। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो हम वेलोसिटी और टाइम को लेते हैं, टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो जो टाइम होता है वो हमारे पास, जो भी चीज़ हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं ना, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है चीज़, ठीक है, इंडिपेंडेंट वैल्यू कह लें, और जो हमारे पास वाई एक्सिस पे होती है वो डिपेंडेंट वैल्यू होती है। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज हमने फिजिक्स के 20 MCQs कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करें, सबके साथ शेयर करें और मेहनत करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।